में आ चुके हैं और हर साल आप सब लोग मिलकर बहुत उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सारा उत्साह 100% आता है प्रभु जी की कृपा से, आशीर्वाद से और उनकी दिव्य वाणी से। तो इस बार का मैराथन केवल 1 महीने का नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है तो अधिक लंबा मैराथन कर सकते हैं और नया तरीके से मैराथन कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रभु जी हम सब में लाइफ देने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ देने के लिए आए हैं। तो प्रभु जी का बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी से हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए हम लोग चर्चा भी करेंगे कि कैसे हम इस सेवा को आगे करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले सबसे पहले मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? यस यस प्रभु जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरे? हैं यस प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद है और श्लोक अध्याय है 13। 12वां स्कंद अध्याय 13 और ये है श्लोक संख्या 18। 12वां स्कंद 12th कैंटो 13वां अध्याय 13 चैप्टर और 18th वर्स 18वां श्लोक। और ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसयाम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्म आविष्कृतम तत्क्षणमं सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। ये वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। ये भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। तात्पर्य सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के गुणों के कलमत से पूरी तरह मुक्त है, अतएव इसमें अद्वितीय आध्यात्मिक सौंदर्य पाया जाता है और इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रिय है। पारमहंसेन सूचित करता है कि पूर्णतया मुक्त आत्माएं भी श्रीमद् भागवत को सुनने और सुनाने के लिए उत्सुक रहती हैं। जो लोग मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं और उन्हें इस ग्रंथ को श्रद्धा तथा भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए तथा वाचन द्वारा इसकी सेवा करनी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा भवति स्वमनान्तिकम् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि बहुर्भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से ये जूम शुरू हुआ है तब से हम लोग घूम रहे हैं। जब से ये जूम शुरू हुआ है तब से हम घूम रहे हैं, यानी कि मतलब कई जगह पर प्रचार करने का मौका मिल गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पहले ऐसा होता था कि इलाकों में काफी प्रतिबंध लगाया जाता था कौन किस इलाके में प्रचार करेगा, लेकिन जूम की कृपा हो गई, कोरोना की कृपा हो गई है। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है प्रचार के कार्य क्षेत्र, प्रचार के जो क्षेत्र है हमारे, वो फैल गए हैं। कोई कहीं भी जा सकता है। अब अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं,
विश्व के किसी भी कोने में जाकर आप प्रचार कर सकते हैं एक ही जगह बैठे बैठे। तो पहले से कई अधिक बढ़ गया है प्रचार अभी, हालांकि हम लोग फिजिकली नहीं मूव कर पा रहे हैं, लेकिन प्रचार बहुत बढ़ गया है। जैसे पंजाबी बाग की माता जी हैं जो प्रचार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं। उन्होंने शुरू किया था लॉकडाउन शुरू होते ही, मार्च के महीने से शुरू किया। अब उनके साथ रेगुलर 700 लोग जुड़ गए हैं, कोई बैंगलोर से है, कोई पूना से है, कोई चेन्नई से है, कोई कहीं से है। ऑनलाइन प्रीचिंग के द्वारा 700 लोग जुड़ गए हैं उनके साथ। कितने? 700 लोग, और 700 में से 150 लोगों ने श्रीमद् भागवतम का सेट ले लिया। सच में झूठ नहीं बोल रहे, आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रीचिंग के बहुत फायदे हैं, और इसमें उनको सड़क में नहीं जाना पड़ा, ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ा, एनर्जी उनकी सेव हो गई, और प्रसादम का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा, बहुत सारे खर्चे भी बच गए, और घर में आराम से एक जगह बैठे हुए पूरे विश्वभर में प्रचार किया जा रहा है। तो ये श्रीमद् भागवत अनमोल ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जो है सभी वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि ये वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और क्या है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव्य सम्यता। और रसिक जन क्या करते हैं, इसको पीते हैं श्रीमद् भागवत को, केवल सुनते नहीं है, वो पीते हैं। पिबत भागवतम रसमालय, और मुह रहो रसिका भूमि भावुका। तो रसिक जन इसका आस्वादन करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पीते हैं, और इसके द्वारा जो है आनंद लेते हैं। श्रीमद् भागवत ये ऐसा अनमोल ग्रंथ है, ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है कि इसकी आवश्यकता केवल भक्तों को नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को है। आज के समय में ज्ञान का बड़ा अभाव है। आप बोलेंगे अरे ये क्या बात बोले, ज्ञान का अभाव है, पाठशालाओं में विश्वविद्यालय में तो ज्ञान दिया जा रहा है। नहीं, ज्ञान का मतलब है जहां हम लोग सोचते हैं समझते हैं। ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, जैसे कि भगवान की श्री गीता में कहते हैं कि आप ये शरीर नहीं है आत्मा है, ये है ज्ञान। यहां से ज्ञान का शुभारंभ होता है, जड़ जगत का ज्ञान, जड़ शरीर का ज्ञान तो ये जड़ जगत तक ही सीमित है। लेकिन वास्तव में वास्तविक ज्ञान क्या है, जब हम लोग वो ज्ञान आत्मा के स्तर पर करते हैं, भगवत संबंधी ज्ञान, भगवान को समझने के लिए। और श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ जो है भागवत धर्म की हमें शिक्षा देता है। भागवत धर्म भागवत में ही बताया गया है, और श्रीमद् भागवत और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है जब भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए और अपने धाम चले गए, तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण जब चले गए तो साथ में क्या हुआ, धर्म और ज्ञान को भी साथ में लेकर चले गए। कृष्णे सधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सा कलो नश्च दृशाम येषा पुराणार्को उदनोदितः। तो भगवान जब धाम गए तो क्या हुआ, साथ में वो क्या लेकर गए, साथ में धर्म और ज्ञान लेकर गए। लेकिन यहां फिर क्या छोड़ के गए, कलयुग के जीवों के लिए क्या छोड़ के गए, कलयुग के जीवों के लिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम हमारे लिए छोड़ के गए। और दूसरी बात है, जैसे कि हम समझते हैं श्रीमद् भागवत में कथा जब प्रारंभ होती, परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे। आप जानते हैं परीक्षित महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, पूरा पृथ्वी उस समय भारतवर्ष कहलाया जाता था, और परीक्षित महाराज बहुत पावरफुल थे। हम जानते हैं माता उत्तरा के घर में ही भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हो गया था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका था, और तब से भगवान का दर्शन हो गया उनको, और तब से वो परख रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको परीक्षित भी कहा जाता है। तो परीक्षित महाराज एक बार आखेट में गए, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रियों की अनुमति होती है कि वो आखेट कर सकते हैं। आखेट मतलब शिकार के लिए गए वन में, जंगल, और जंगल में जब आखेट कर रहे थे तो उस समय उनको प्यास लगी,
और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने देखा कि सामने एक आश्रम है, एक ऋषि मुनि का आश्रम है। और उस ऋषि मुनि के आश्रम में ऋषि का नाम था समिक ऋषि, और समिक ऋषि के आश्रम में वहां जब पहुंचे तो वो समिक ऋषि ध्यान की मुद्रा में थे और आंखें उन्होंने आधी बंद की हुई थी। परीक्षित महाराज ने उनसे जल पूछा, उनको प्यास लग रही थी और क्या मुझे जल मिल सकता है। समिक ऋषि ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान में मग्न थे। परीक्षित महाराज को गुस्सा, वो क्रोधित हुए और वहां देखा एक मरा हुआ सांप है। मरे हुए सांप को लेकर उन्होंने क्या किया, समिक ऋषि के गर्दन में डाल दिया। और श्रृंगी को जब पता चला, जो समिक ऋषि के सुपुत्र थे, श्रृंगी बहुत क्रोधित हुआ। और वो क्या था, बहुत ही नौसिखिया बालक था, ब्राह्मण बालक, जिसने अभी भी कुछ वैदिक मंत्र सीखे थे, थोड़ी बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन उसको अनुभव नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि इन मंत्रों का उपयोग कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किसके ऊपर करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं जानता था कि परीक्षित महाराज जो है भूल गया था या उसको ध्यान में नहीं था, वो गर्वित था। जैसे कि माधुरी कादंबरी हमने सेशन में चर्चा की थी, तो उसमें एक अनर्थ आता है उत्साहमही। उत्साहमही का मतलब होता है कि पफ्ड अप विद एंथुसियाज्म, बड़ा गर्वित था वो, इमेच्योर था वो, अपरिपक्व था। उसको लगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मंत्र जानता हूं, है ना, इन्होंने मेरे पिता के गले में गर्दन में मरा हुआ सांप डाला, मैं इनको शाप दे सकता हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है। तो इसलिए कई बार होता है ऐसा कि हम लोग जब मैच्योर नहीं होते हैं, और कई बार नया पद भी दिया जाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, अपना पावर दिखाना चाहते हैं। इमेच्योरिटी के कारण हमें पता नहीं कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। परीक्षित महाराज विश्व के सम्राट ही नहीं, भागवत है, उनको शाप दे रहे हो, तो ये सोचा नहीं। परीक्षित महाराज चाहते तो उस शाप का विरोध कर सकते थे, काउंट्रैक्ट कर सकते थे, परीक्षित महाराज भी शाप दे सकते थे, लेकिन क्या हुआ, परीक्षित महाराज चुप रहे। उनको लगा ये भगवत इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान चाह रहे हैं, ये भगवान चाह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा हो। और ये सारी व्यवस्था ठाकुर जी की है, कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया, परीक्षित महाराज चुप रहे, उन्होंने शाप को स्वीकार कर लिया। क्या शाप था, कि आप 7 दिन में ये शरीर छोड़ देंगे, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, सर्प आपने डाला हमारे पिता के गले में और ये सर्प ही आपको डसेगा। तो इस तरह से जो है परीक्षित महाराज को शापित किया, परीक्षित महाराज ने शाप को स्वीकार किया। लेकिन परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, उन्हें का ये मौका है कि पूरा साम्राज्य त्याग कर मैं गंगा जी के तट पर जाकर ऋषि मुनियों से, संतों से, महात्माओं से श्रीमद् भागवत का श्रवण करूं। कितने बुद्धिमान थे देखिए परीक्षित महाराज, ऐसा वो क्यों कर पाए परीक्षित महाराज, वो इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि बचपन से ही वो भगवान के भक्त थे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कौमारामाचरे प्राभ्यो धर्मान भागवताम हिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम। 5 साल की अवस्था से, कुमार अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, 5 साल की अवस्था से। हम क्या करते हैं आधुनिक जगत में, आज के समय में 5 साल की अवस्था में फोन पकड़ा देते हैं, कंप्यूटर्स पकड़ा देते हैं, तो भागवत धर्म की शिक्षा कहाँ मिलेगी बच्चों को, बुरा मत मानिए। तो प्रहलाद महाराज कहते 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये भागवत धर्म की शिक्षा 5 साल से कैसे दी जाएगी, श्रीमद् भागवतम के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा। तो इस तरह से फिर परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो वहां ऋषि मुनि एकत्र थे। ऋषि मुनियों से उन्होंने प्रश्न किया, जो मरणासन्न व्यक्ति है, मृत्यु के निकट है, उसको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका, किस पे ध्यान लगाना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। तो ऐसा वो पूछ ही रहे थे, तो उसने में क्या हुआ, वहां पर सुखदेव गोस्वामी पधारे। सुखदेव गोस्वामी को व्यास गति प्रदान की गई, व्यास आसन प्रदान किया गया, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने फिर क्या किया, कथा की, श्रीमद् भागवत की कथा।
यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जो मरणासन व्यक्ति है, मरणासन मतलब जो मृत्यु के निकट है, उनको किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, किसका ध्यान लगाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी। वास्तव में श्रीमद भागवत जो है वो अमर पुराण बताया गया यहाँ और वैष्णव को बहुत प्रिय है। श्रीमद भागवत वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। जैसे कि श्रीमद भागवत जो है वो वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है, स्वाभाविक टीका, नेचुरल कमेंट्री। चैतन्य महापुरुष जब बनारस में थे, काशी में थे, तो आप प्रकाशचंद्र सरस्वती से मिले थे, जो मायावादी सन्यासी थे। चैतन्य महापुरुष के प्रभाव से, उनके प्रचार से प्रकाशचंद्र सरस्वती के जीवन में परिवर्तन आया, वो भक्त बनने लगे। और चैतन्य महापुरुष जानते थे कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करते थे, तो चैतन्य महापुरुष ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, आप वेदांत सूत्र को पढ़ने में आपकी रुचि है तो समझिएगा कि श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र का एक स्वाभाविक भाष्य है, नेचुरल कमेंट्री है। और चैतन्य महापुरुष ने कहा अतएव भागवत सूत्रेर अर्थ रूप निज कृत सूत्रेर निज भाष्य स्वरूप। तो श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बताता है और उस वेदांत सूत्र के जो रचयिता है वो व्यासदेव जी हैं। तो वेदांत सूत्र के सूत्रों को ही श्रीमद् भागवत के रूप में समझाया। तो पहला श्लोक क्या है श्रीमद् भागवत का? प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, जन्मादि अस्य यतः। ये वेदांत सूत्र का वाक्य है। वेदांत सूत्र इसे 500 से अधिक सूत्र है और अब तो ये इस्कॉन में भी उपलब्ध है। इसमें भानुस्वामी महाराज ने इसका अनुवाद किया है। इसमें श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका भी है जिसको श्री गोविंद भाष्य कहते हैं। और इस वेदांत सूत्र में एक सूत्र है, प्रारंभ ही आ जाता है, जन्मादि यस्य यतः। जन्मादि यस्य यतः का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है। और ये वेदांत सूत्र की व्याख्या की श्रील व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों में। कितने श्लोकों में? 18,000 श्लोकों में इस सूत्र की व्याख्या की है। यानी कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि भगवान कृष्ण ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के अंश अवतारों का वर्णन है, अंशांश अवतारों का वर्णन है, अंश कला अवतारों का वर्णन है और जितने भी अवतारों का वर्णन है उसके उद्गम, उसके स्रोत कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का एकमात्र आशय है, एकमात्र उद्देश्य है भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। कि होल सोल पर्पस श्रीमद् भागवतम का, यानी कि जो आश्रय तत्व है श्रीमद् भागवतम के, वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का गुणगान करना ही श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। अगर अवतारों का वर्णन भी किया गया है तो वो अवतारों का वर्णन इसलिए किया जा रहा है इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कि वो अवतार किसके हैं, वो सब भगवान कृष्ण के ही हैं। एते चाम शा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम भडयंती युगे युगे। तो सुध गोस्वामी कह रहे हैं जितने भी अवतारों का मैंने वर्णन किया, अंश अवतारों का, अंश कला अवतारों को मैंने वर्णन किया है, लेकिन अब मैं परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। तो ये परिभाषा सूत्र है श्रीमद् भागवतम का। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशचंद्र सरस्वती को बताया गरुड़ पुराण से श्लोक उदित करते हुए, अर्थो यम ब्रह्म सूत्रा नाम भारतार्थ विनिधया गायत्री भाष्य रूपो सौ वेदार्थ परिभ्रमतः। वेदांत सूत्र का अर्थ जो है श्रीमद् भागवत में दिया गया, महाभारत का पूरा तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में है और ये ब्रह्म गायत्री की स्वाभाविक टीका है श्रीमद् भागवतम। गायत्री मंत्र श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो है उसमें गायत्री मंत्र है। क्या गायत्री मंत्र है जिस श्लोक में जो आता है? सत्यम परम धीमहि, श्लोक का आखिरी जो शब्द है वो क्या है?
जन्मासी यस्य यथोन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजवारि विदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम् सत्यं परम धीमहि। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया गायत्री रे अर्थ ये ग्रंथ आरंभन सत्यम परम संबंध अभिदय साधन प्रयोजन, यानी सत्यम परम धीमहि का मतलब होता है, सत्यम परम का मतलब है कि कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्यम परम का मतलब है, यानी कि यहाँ पे संबंध ज्ञान स्थापित होता है हमारा, यानी कि जीव का भगवान से संबंध क्या है, सत्यम परम, परम भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, और धीमहि का मतलब क्या है, ऐसे परम भगवान कृष्ण में मैं ध्यान लगाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनका मैं स्मरण करता हूँ, तो इसमें क्या है अभिधेय और प्रयोजन, अभिधेय का मतलब सेवा और प्रयोजन का मतलब उस सेवा का क्या है फल, यानी कि भगवान का प्रेम। तो श्रीमद् भागवत को भी इसी तरह से विभाजित किया गया है, जिसमें संबंध ज्ञान भी मिलता है, अभिधेय तत्व भी सुनने को मिलता है और साथ में प्रयोजन भी। कई बार ऐसा होता है कि श्रीमद् भागवत की शुरुआत करते हैं लोग, पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, लेकिन जैसे द्वितीय स्कंद या तृतीय स्कंद में पहुंचते हैं तो रुक जाती है गाड़ी, बोलते हैं इतना विराट जगत के बारे में, सृष्टि के बारे में इतना कुछ बता दिया है, फिर लगता नहीं यार इसमें भगवान कृष्ण कहाँ है, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिस्क्रिप्शन है वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में, पूरे वैदिक सृष्टि के बारे में, विराट जगत के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, तो ऐसा लगता है कि अरे भगवान कृष्ण कहाँ मौजूद है। लेकिन याद रहे जब सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है तो मत भूलेगा ये सृष्टि भी भगवान की है, भगवान से अलग नहीं है। जैसे ईशोपनिषद में लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता महाकृतस्य स्वधनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी कुछ आप संसार को देख रहे हैं इन एनिमेट और एनिमेट, यानी वह जीवित देख रहे हैं या जो जीवित है, अचेतन चेतन कुछ भी देख रहे हैं, जड़ जगत देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये बता रहा है ईशोपनिषद बता रहा है, वो सब कुछ भगवान का है, ये पूरी सृष्टि भगवान की है, भगवान से अलग नहीं है। जैसे हम लोग भी भगवान के अंश है, एक छोटा सा उदाहरण, हमारा विराट जगत क्या है, ये शरीर है, हमारा विराट जगत क्या है, ये भौतिक शरीर है, तो अगर आपके शरीर को देखते हैं तो पहचान लेते हैं, अरे ये तो गोविंद स्वरूप बैठे हैं सामने, ये तो गोविंद स्वरूप बैठे हैं पहचान लिया हमने, ये धन्वंतरी प्रभु बैठे हैं सामने पहचान लिया, आपके शरीर को देख के पहचान लिया, आपको पहचान लिया आपके शरीर को देखकर, समझ रहे हैं आप, आपके शरीर को देखकर आपको पहचान लिया। इसी तरह से पूरे विराट जगत का जब दर्शन भक्त करता है, शुद्ध भक्त करता है, तो तुरंत भगवान का स्मरण करता है, समझ रहे मेरी बात को, हम अपनी तुलना भगवान से नहीं कर रहे लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। हमारा भी छोटा सा ब्रह्मांड है ये शरीर, सारे 24 तत्व है इसमें, तो ये छोटा मिनी ब्रह्मांड है, तो ये शरीर को देखकर जिस तरह से आपका स्मरण या मेरा स्मरण होता है, इस तरह से पूरे विराट जगत का दर्शन जब भगवान की शुद्ध भक्त करते हैं तो भगवान का स्मरण कर पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए ध्यान रहे, वहां जो भी कुछ वर्णन किया जा रहा है समझ लीजिए भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक शब्द में जो है शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण को देख पाते हैं श्रीमद् भागवत में। सर्व वेदांत सारम नहीं, आगे बताया गया, फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पुराणम साम रूप साक्षात भागवत उदिता, यानी कि श्रीमद् भागवतम परम पुराण है और ये श्रील व्यासदेव जो कि परम भगवान कृष्ण के वांगमय अवतार है, लिटरी इनकार्नेशन है, उन्होंने इसकी रचना की है। ग्रंथाष्टादशास्त्र श्रीमद् भागवताभिधा, इसमें 12 स्कंद है, 333 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। तो इस तरह से ये वर्णन मिला, चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, और लेकिन अब जानते हैं वो कथा चैतन्य चरितामृत में आती है, श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं आपको। श्रील सनातन गोस्वामी गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय, और रूप गोस्वामी जो है वित्त मंत्री थे या निजी सचिव थे, सनातन गोस्वामी को बांधी थी साकर मल्लिक और दबीर खास, रूप गोस्वामी को दबीर खास की उपाधि मिली थी, यानी कि निजी सचिव या फिर वित्त मंत्री भी थे वो। तो एक समय
जब नवाब हुसैन शाह ने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण कर दिया और कई मंदिर वो तोड़ने लगा, तो सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हुए। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि अब मैं इनके साथ और सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब उनकी प्रबल इच्छा हो गई, वो अब सब कुछ राज्य का कार्यभार छोड़ के, उपाधि छोड़कर वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए इच्छा प्रकट की और उन्होंने आना बंद कर दिया, राज दरबार में आना बंद कर दिया, अपने कार्य क्षेत्र में आना बंद कर दिया और घर में रहने लगे। तो घर में रहने लगे तो क्या हुआ, लगभग एक महीने तक आए नहीं और महल में सूचना पहुंचाई गई, राजा के पास सूचना पहुंचाई गई, नवाब के पास ये सूचना पहुंचाई गई कि सनातन गोस्वामी किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो बीमार है। नवाब हुसैन शाह ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई, बीमार है अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। तो नवाब ने राजवैद्य भेजा, राजवैद्य गए वहां पर सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। सनातन गोस्वामी की नाड़ी देखी उन्होंने, हम जानते कि वैद्य जो है नाड़ी देखकर समझ जाते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो वैद्य बताते हैं कि आप बीमार हैं कि स्वस्थ हैं। और नाड़ी देखकर बताया नवाब, राजवैद्य ने सनातन गोस्वामी की नाड़ी देखकर बताया, वैद्य ने बताया अरे आप तो बिल्कुल ठीक है। जब वापस आए तो उन्होंने बताया नवाब को कि जहां पना वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन हमने क्या कुछ देखा वहां पर, क्या देखा हमने, हमने देखा कि एक बड़ी सभा में बहुत सारे विद्वान संत बैठे थे, विद्वान ब्राह्मण बैठे थे और सब वहां बैठकर शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे। सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवत बहुत प्रिय था और सभा में संत महात्माओं के साथ सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसा मैंने देखा ना, परीक्षा द्वारा पूरा साम्राज्य त्याग कर जो है श्रीमद् भागवत सुनने के लिए गंगा जी के तट पर चले गए। सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को इतना महत्व देते थे और श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा हो रही थी और चर्चा चल रही थी। नवाब ने आकर देखा तो हैरान हो गए सनातन गोस्वामी को, श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, राज्य का कार्यभार छोड़कर और यहां पर ये क्या हो रहा है। नवाब ने कहा, आपने तो मुझे कहा था बीमार है, लेकिन ये क्या, आपने मुझसे झूठ बोला। तो सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट बता दिया कि अब मैं आपकी और सेवा नहीं कर सकता, मुझे आप रिहा कर दीजिए। लेकिन सनातन नवाब जो है बहुत क्रोधित हुआ और नवाब ने सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया। कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत जो है वैष्णव को बहुत प्रिय है, इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब परीक्षित महाराज जैसे सम्राट जो कितने व्यस्त थे, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए पूरे साम्राज्य को त्याग दिया उन्होंने और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना जो है उन्होंने विचार किया कि ये मुझे करना चाहिए, जीवन के अंत काल में ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन याद रहे, जीवन के अंत काल में ये तभी कर पाएंगे जब पूरे जीवन भर कुछ किया होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। इसलिए नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए, केवल 7 दिन के लिए नहीं, रोज करना चाहिए, हमेशा के लिए करना चाहिए। नारद जी जब आए व्यासदेव जी के पास, व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम, नारद जी आए थे व्यासदेव जी के पास और व्यासदेव जी से कहा कि क्या कारण है। उन्होंने कहा कि आप दुखी क्यों लग रहे हैं, आपने चारों वेदों का विभाजन कर लिया, सभी पुराण आपने लिख लिए, उपनिषद लिख लिए, लेकिन क्या कारण है कि आप बड़े दुखी दुखी से लग रहे हैं, इसका क्या कारण है। नारद जी क्योंकि उनके गुरु थे, पहचान गए व्यासदेव जी को देखकर, वो समझ गए। उन्होंने कहा, भवातानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येने वासुन तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम यथा धर्मादयश्चार्थ मुनि वर्याणु कीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्तिनः। इसका मतलब क्या है, श्री नारद ने कहा, वास्तव में आपने भगवान की अलौकिक शक्ति तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की देव इंद्रियों को पुष्ट नहीं करता वह व्यर्थ समझा जाता है। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया।
हमने एक बार सुना था इसलिए भानु स्वामी महाराज से वो बता रहे थे, वास्तव में जब 18 पुराण जब बताए गए कि 18 पुराणों की रचना कर दी थी व्यास जी ने, तो उसमें भागवत पुराण भी था। श्रीमद भागवत पुराण की भी रचना कर चुके थे, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं थे। समझ रहे? तब ही व्यासदेव ने इस तरह से बोला है। तो व्यासदेव ने कहा कि आपने श्रीमद भागवतम की रचना तो कर दी, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से नहीं बताया आपने। तो इस कारण से श्रील व्यासदेव ने दोबारा श्रीमद भागवतम की रचना की, जिससे भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। इसलिए देखिए परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को भागवत के दशम स्कंध की शुरुआत में ही कि अब आप भगवान कृष्ण के बारे में बताने वाले हो, इसको आप विस्तार से बताएं, कथितम वंश विस्तार हो, आप विस्तार से बताएं, शुरू से लेकर अंत तक बताएं। परीक्षित महाराज ने कहा था कि नहीं, शुरू से लेकर अंत तक बताएं, बीच से नहीं, शुरू से लेकर अंत तक। 4 दिन बीत चुके थे, केवल 3 दिन थे परीक्षित महाराज के बाद, लेकिन उनके हृदय में लोलुपता देखी आप। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भूख प्यास जो है सहन कर नहीं पाता है व्यक्ति, लेकिन जो आप कृष्ण कथामृत का मुझे पान करा रहे हैं, मैं बड़ी आसानी से उसको सहन कर रहा हूं। तो परीक्षित महाराज की लोलुपता क्या थी, वो शुरू से अंत तक सुनना चाहते थे, इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने ये लिखा। और सुखदेव गोस्वामी ने 90 अध्याय में भगवान कृष्ण के बारे में बताया। आप देखिए श्रीमद भागवत में अन्य अवतारों के बारे में या तो कुछ श्लोकों में वर्णन है, या कुछ अवतारों के बारे में 2 या 3 अध्याय में, जैसे भगवान श्री राम के बारे में 3 अध्याय में है 9वें स्कंद में, कुछ अवतारों के बारे में वर्णन जो 1 अध्याय मैक्सिमम 2 अध्याय में है, और कुछ अवतारों के बारे में तो कुछ श्लोकों में ही वर्णन है। लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो 90 अध्याय में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, 90 अध्याय में, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है परम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भागवतम। इसलिए जब बताया हमने कि कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम उपगते, ज्ञान धर्म गानादि भी सा कलो नष्ट दिशा में पुराण आर्को उदरिता एज ब्रिलियंट एज द सन, ये कलयुग में उदय हुआ है सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान श्रीमद भागवतम। ये भगवान श्री कृष्ण ही है जो श्रीमद भागवतम के रूप में आपके पास आए हैं, लेकिन हम श्रीमद भागवतम भगवान कृष्ण को ही अपने घर में नहीं रखना चाहते, दुखी बात तो ये है। प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाया इस ग्रंथ लिखने के लिए। आप जानते हैं प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में थे और रात को बैठकर वहीं से ही, इस्कॉन की स्थापना होने से पहले ही, भागवत का जो प्रथम स्कंद है श्रीमद भागवतम का, अगर आप उसके तात्पर्य पढ़ेंगे प्रत्येक श्लोक में लगभग तात्पर्य दिए, लगभग प्रत्येक श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है भागवत का जो प्रथम स्कंद है, इसलिए वो किताब इतनी मोटी है। राधा दामोदर मंदिर में रोज रात को बैठ के लिखते थे प्रभुपाद, और टाइपिंग खुद करते थे, उस समय डिक्टाफोन नहीं था। और प्रभुपाद जी की प्रबल इच्छा थी कि ये श्रीमद भागवत छप जाए प्रथम स्कंद 3 वॉल्यूम्स में, शुरुआत में 3 वॉल्यूम्स में इसकी छपाई हुई। और उसके बाद प्रभुपाद दिल्ली आए और जय हरि डालमिया से मिले, डालमिया ब्रदर्स के जो चेयरमैन थे, करोड़ प्लेस में उनका ऑफिस भी है, तो जय हरि डालमिया से मिले। जय हरि डालमिया ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे गुरुदेव हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले, उनसे अनुमति अगर आप ले लें तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम छपा देंगे इसको। तो प्रभुपाद उसके बाद फिर कहां गए, गोरखपुर गए, और गोरखपुर जाकर वहां पे पोद्दार जी से मिले। पोद्दार जी ने देखा, उन्होंने कहा स्वामी जी आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखा डालमिया जी को, उसमें लिखा स्वामी जी जो भी लिखे उसको छापा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह से प्रभुपाद बड़े खुश होकर वापस दिल्ली आए, डालमिया जी से मिले। डालमिया जी ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करने में सहायता की, प्रायोजित किया, और 300 प्रतियां छाप ली प्रभुपाद जी ने, उसको ट्रंक में रखकर उस मालवाहक जहाज में कार्गो शिप में बैठकर प्रभुपाद कहां गए, अमेरिका गए। और जानते हैं सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद ने किया अपने हाथों से, वो किसका किया, श्रीमद भागवतम का, वो भी जहाज में, वहां के कप्तान को भी दिया एक कॉपी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रभुपाद जहां भी जाते, विश्व के किसी भी कोने में जाते,
प्रभुपाद जी के कई ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने 11 साल में पूरे किए। प्रभुपाद ने 77 अक्टूबर तक 10th कैंटो 13 चैप्टर तक अनुवाद किया है। ब्रह्म विमोहन लीला प्रभुपाद जी का अंतिम तात्पर्य है उसमें। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद 13वां अध्याय, बाकी उसके बाद प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अनुवाद किया है 12वें स्कंद तक। प्रभुपाद विश्व के किसी भी कोने में होते क्या करते प्रभुपाद जानते हैं आप? रात को 12:30 बजे उठकर अनुवाद करते। प्रभुपाद जी ने विश्व की यात्रा की 14 बार कम से कम, 5,000 से अधिक शिष्य बनाए, कई फार्म कम्युनिटीज का उद्घाटन किया, कई गौशालाएं प्रभुपाद ने खोली, कई ग्रंथों का प्रकाशन करवाया, विश्व की लगभग सभी भाषाओं में उनके ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। बहुत यत्न करके और 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना प्रभुपाद ने की 11 वर्षों के अंदर। और ये सब कैसे किया? श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते हुए साथ साथ किया। इसलिए प्रभुपाद ने दिन और रात करके इस आंदोलन को खड़ा किया है, तभी हम लोग आज इस कृष्ण भक्ति का आनंद ले पा रहे हैं। प्रभुपाद जी की मेहनत है कि नहीं बताइए? प्रभुपाद जी के तपस्या को मानते कि नहीं मानते? 70 साल की उम्र में हमारे लिए गए कि किसके लिए गए बताइए? हमारे लिए प्रभुपाद गए ना। और कितनी कठिनाई से, कितने कष्ट से प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद किया, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। रात को उठ के बैठना, हरीश्वरी प्रभु जो उनके सेक्रेटरी थे, सर्वेंट थे, वो बताते हैं कि प्रभुपाद को मैंने कभी सोते हुए नहीं देखा। क्या बोला उन्होंने? प्रभुपाद को मैंने कभी सोते हुए नहीं देखा। अगर प्रभुपाद लेटे हुए आंखें बंद भी करते थे, अगर कोई ऐसे चुटकी भी बजा दे या खटखट भी कर दे, थोड़ी सी भी आवाज सुन ले प्रभुपाद, एकदम से उनकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा लगता नहीं था देखे कि प्रभुपाद गहरी नींद में गए। और प्रभुपाद जी का शेड्यूल देखिए कैसा है। रात को अगर 10-11 बजे तक सोएंगे, 12:30 बजे उठ जाएंगे, और सुबह 4-4:30 बजे तक अनुवाद करेंगे, फिर 6 बजे मॉर्निंग वॉक में चले जाएंगे, फिर पूरे दिन एक्टिव, दोपहर में 1 घंटा विश्राम करेंगे। तो कितना घंटे विश्राम किया बताइए 24 घंटे में? देखा जाए तो सो ही नहीं रहे प्रभुपाद, और ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ से फरीदाबाद गए, फरीदाबाद से दिल्ली आ गए, नहीं, पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में हवाई में एक बार रुके थे, 1 घंटा बताते हैं आपको, श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे हवाई में, रात्रि के 12:30 बजे थे, और उस दिन बहुत लंबी यात्रा से वहां पहुंचे थे प्रभुपाद मंदिर में, और उनके साथ उनके सेवक और सेक्रेटरीज भी थे, उनके साथ एक भक्त थे जिनका नाम था गुरु कृपा प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य। और प्रभुपाद ने उनको बुलाया रात को 12:30 बजे। प्रभुपाद ने कहा, पूछा उनसे, क्या कर रहे थे तुम? कहा कि प्रभुपाद ऑफकोर्स मैं विश्राम कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, विश्राम कर रहे थे क्यों? Why you are resting? क्योंकि प्रभुपाद मैं विश्राम कर रहा था, मुझे नींद आ रही थी, मैं बहुत थका हुआ था। प्रभुपाद ने कहा कि तुम क्यों थके हुए थे? Why you are tired? क्योंकि प्रभुपाद आपके साथ ही मैं गया था ट्रैवलिंग में, बहुत लंबी यात्रा थी और मैं इसलिए थक गया हूं बहुत। अब उनको रोना आ रहा था, प्रभुपाद जी बार बार उनसे ऐसे पूछ रहे थे इस तरह से, वो भी रात को 12:30 बजे उठा के। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, मैं तो थका नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ ही ट्रैवलिंग किया हूं, मैं भी तुम्हारे से यात्रा में था, तुम्हारे साथ मैंने भी ट्रैवल किया है, लेकिन मैं तो थका हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट टायर्ड, तुम क्यों थके हुए हो? तो गुरु कृपा प्रभु बेचारे वो रो गए ऑलमोस्ट। उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त है, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। प्रभुपाद ने कहा कि आप क्यों नहीं है शुद्ध भक्त? व्हाई यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी? प्रभुपाद ने कहा, आप क्यों नहीं है शुद्ध भक्त? तो वो फिर बेचारे बहुत परेशान हो गए, वो गुरु कृपा पर रोने लग गए, उन्हें आंखों में से आंसू निकल आए उनके। प्रभुपाद ने कहा, रे बड़े तो रोने लग गए हैं। प्रभुपाद ने उनकी पीठ में हाथ फेरा, थपथपाया, और प्रभुपाद ने कहा, सुनो कृष्णा मुख से फिर कृष्ण लीला सुनाई, भगवान कृष्ण की लीला सुनाने लगे। प्रभुपाद कहते, ठीक है आप जाके विश्राम करो। तो शिला प्रभुपाद जी का शेड्यूल इस तरह का होता था, प्रभुपाद कब आपको कब किस समय उठा ले और कब क्या सेवा बोले कुछ पता नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद बॉम्बे पंडाल प्रोग्राम में लेक्चर दे रहे थे, तो एक आदमी ने चैलेंज किया प्रभुपाद, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो भारत है,
या तो पहले से वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृति के बारे में जानते हैं, या कृष्ण और राम को कौन नहीं जानता है। अगर आपको अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक मानते हैं तो जाइए पाकिस्तान में प्रचार करके दिखाइए। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान में प्रचार करके दिखाएंगे आप। तो प्रभुपाद ने तुरंत बुलाया ब्रह्मानंद स्वामी और गर्गमुनि को। प्रभुपाद ने कहा कि आप जाओ पाकिस्तान में और प्रचार शुरू करो। उनका क्या, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ हाँ, एक व्यक्ति ने मुझे चुनौती दी है कि हमें पाकिस्तान में प्रचार करना है, जाओ आप लोग पाकिस्तान में जाके प्रचार। तो प्रभुपाद जी के आदेश इस प्रकार होते थे। जैसे प्रभुपाद बुलाया, एक दिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अमेरिका में, जिनका बहुत ही सफल कामयाब ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरे अमेरिका में नंबर वन थे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया एक दिन। प्रभुपाद कहते हैं, तमाल कृष्ण, नाउ यू मस्ट गो टू चाइना। कहा, फरीदाबाद नहीं। प्रभुपाद ने क्या बोला, अब आपको चाइना जाना चाहिए। चाइना जब वहां पे कम्युनिस्ट कंट्री था उस समय, बहुत कट्टर था, अभी भी है, उस समय तो बहुत कट्टर था। उनका कि प्रभुपाद, लेकिन राधा दामोदर का क्या होगा ट्रैवलिंग संकीर्तन का? प्रभुपाद ने कहा, राधा दामोदर की चिंता ना करो, वो संभाल लेंगे अपने आप को खुद, आप चाइना जाओ। तो उतारे तमाल कृष्ण महाराज, दो तीन दिन तक अपने कमरे से बाहर ही निकले, उनको ऐसा झटका लगा उस जगह कि ऐसा लगा कि वज्रपात हो गया। प्रभुपाद ने क्या कह दिया अचानक। तो इस तरह प्रभुपाद जो आदेश दिया करते थे अपने शिष्यों को, इस तरह से उन्होंने भेजा है प्रभुपाद ने, एक एक जगह पे, आप बॉस्टन जाओ, आप शिकागो जाओ, लंदन जाओ, तीन गृहस्थ भक्तों को, श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु, मुकुंद प्रभु जो गृहस्थ थे माताओं के साथ, उनको कहाँ भेजा, लंदन भेजा, ब्रह्मचारी सन्यासी को नहीं भेजा, इन तीन गृहस्थ भक्तों को भेजा लंदन, जाओ इंग्लैंड जाओ, लंदन में जाओ, लंदन में जाके प्रचार शुरू करो। वहां किसी को जानते नहीं थे, अकेले गए वहां पर। इस तरह से प्रभुपाद ने देखिए कष्ट उठाया, और प्रभुपाद ने, क्योंकि देखिए भक्त लोग समर्पित थे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती। अगर प्रभुपाद समर्पित थे तो उनके शिष्य भी समर्पित थे, नहीं? और हमारे गुरु महाराज का देखिए, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया 1974-75 की बात है। प्रभुपाद को महाराज को प्रभुपाद ने इंडिया का जीबीसी बना दिया था। प्रभुपाद पूरे इंडिया का जीबीसी बनाया था महाराज को। उससे पहले तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरे इंडिया के जीबीसी थे। तो उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज को तो प्रभुपाद ने चाइना भेज दिया, तो अब प्रभुपाद ने हमारे गुरु महाराज को पूरे इंडिया के जीबीसी बनाया। अभी भी जीबीसी बॉडी में हमारे गुरु महाराज लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट जीबीसी है, सबसे लंबे समय तक कोई जीबीसी अगर है हमारे जीबीसी बॉडी में तो हमारे गुरु महाराज। अभी प्रभुपाद ने खुद बनाया था उनको जीबीसी, पूरे इंडिया का जीबीसी बनाया, और पूरा ब्यूरो का, इंडिया ब्यूरो का, इस्कॉन ब्यूरो जो इंडिया का है, उसके चेयरमैन को भी, चेयरमैन भी बनाया प्रभुपाद ने खुद बनाया। तो 75 की बात है जब जीबीसी बनाया, तो प्रभुपाद ने महाराज को बोला, यू गो टू रशिया, आप रशिया जाओ और वहां जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करो। तो वहां एक और महाराज थे जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने आके आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, बट वहां पे जो है मैनेज करना इतना आसान नहीं है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है रशिया, बहुत सेंसिटिव है, इट्स नॉट इजी टू मैनेज। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, ऐसा करो, यू मैनेज, लेट हिम प्रीच। प्रभुपाद ने कहा, आप मैनेज करो, लेट गोपाल कृष्ण प्रीच। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज गए, और महाराज को प्रभुपाद ने कैसे भेजा जानते हैं? प्रभुपाद ने कहा कि आप भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के बिहार में जाओ, बिजनेस सूट्स में जाना, डिवोटी के वेश में जाना, यू गो लाइक अ बिजनेसमैन इन बिजनेस सूट। प्रभुपाद जी महाराज के पुराने फोटोग्राफ देखिए, बिजनेस सूट में है। और प्रभुपाद ने कहा कि आप बिजनेस कार्ड छापो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के नाम से। तो बिजनेस कार्ड छापा और विजिटिंग कार्ड भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के नाम से। और हमारे महाराज रशिया गए थे उन दिनों जब रशिया में कट्टर कम्युनिज्म था, तो प्रैक्टिकली उन दिनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, बुक्स को स्मगल किया गया रशिया में, और एक बिल्डिंग के नीचे वहां पर प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया गया, और बहुत छुप छुप के जो है ग्रंथों की छपाई शुरू हुई। इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ रशिया में। तो विश्वभर में जो प्रचार हुआ है उसके पीछे बहुत तपस्या है प्रभुपाद की और उनके शिष्यों की, बहुत कठोर तपस्या है। प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाया, रात को बैठ बैठ के इन ग्रंथों का अनुवाद करें। आप देखिए ना इन ग्रंथों को, देखिए इन ग्रंथों में देखिए कितना आसान नहीं है, शब्दार्थ देना है, अनुवाद करना है,
उसका तात्पर्य देना है। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद जी के सामने बहुत सारी टीकाएं होती थी, श्रीधर स्वामी की टीका, जीव गोस्वामी की टीका, विश्वनाथ चक्री ठाकुर की टीका, बहुत सारी टीकाओं को प्रभुपाद रखते थे संस्कृत में, और हाथ में डिक्टाफोन होता था रिकॉर्डिंग के लिए, प्रभुपाद ऐसे देखते थे और उसी समय ट्रांसलेट करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर आया प्रभुपाद के पास, उसने कहा कि स्वामी जी बाइबल में एक जगह आता है कि मूसेस एक पहाड़ी की तरफ गए और वहां पर उनको भगवान की आवाज सुनाई दी और भगवान से प्रेरणा मिली, उनको भगवान से 10 कमांडमेंट्स मिला, तो इस तरह से भगवान से उनको प्रेरणा मिली और ये 10 कमांडमेंट्स मिला। तो आपको भी इसी तरह से आपको भी प्रेरणा मिली, आपको भी इंस्पिरेशन मिला भगवान से, सो गॉड इंस्पायर्ड यू ऑल्सो टू राइट दीज बुक्स, ऐसा वो रिपोर्टर ने पूछा। तो डिसाइपल से पहले बोल पड़ा, यस कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड इंस्पायर्ड अवर स्पिरिचुअल मास्टर टू राइट दीज बुक्स। प्रभुपाद ने कहा यह गलत बोल रहा है मेरा शिष्य। क्या बोला प्रभुपाद ने, यह शिष्य मेरा गलत बोल रहा है, मुझे परम भगवान कृष्ण ने प्रेरणा नहीं दी है ग्रंथ लिखने के लिए, मुझे कृष्ण ने डिक्टेट किया और मैं लिखता गया। इंस्पिरेशन और डिक्टेशन में बहुत अंतर है, इंस्पिरेशन मैं इंस्पायर कर सकता हूं, आपको करना आपको ही पड़ता है ना, लेकिन डिक्टेशन में क्या है कि आप बैठे हैं मैं आपको लिखवा रहा, जैसे महाभारत गणेश जी को लिखवाया श्री वेद व्यास जी ने, है कि नहीं, वेद व्यास जी ने कहा ठीक है गणेश जी आओ बैठो आप लिखते जाओ, मैं डिक्टेट करता था, उसको कहते हैं डिक्टेशन। तो इसी तरह से प्रभुपाद बैठे हैं रात्रि को और भगवान कृष्ण आगे क्या करते हैं डिक्टेट। प्रभुपाद एक जगह बोला भी, एक चिट्ठी में लिखा है कि हर दिन रात्रि के समय, रात्रि के समय क्या होता है या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भगवान कृष्ण मेरे पास आते हैं और वो मुझे डिक्टेट करते हैं, मैं लिखता जाता हूं। जिस तरह से बलदेव विद्याभूषण ने भी यही कहा कि ये मेरा भाष्य नहीं है, श्री गोविंद का भाष्य है, ये तो गोविंद देव जी ने लिखवाया है, गोविंद देव जी ने उनको आगे दर्शन में यही बोला, गोविंद ने कहा कि चिंता ना करो बलदेव आप लिखते जाना मैं लिखवाता जाऊंगा, इसको कहते हैं डिक्टेशन। तो प्रभुपाद जी के जो शब्द है तात्पर्य है, ये कोई साधारण तात्पर्य नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा लिखे गए प्रभुपाद जी के माध्यम से। इन ग्रंथों को इसलिए जनमानस तक पहुंचाना, सबसे पहले तो हम लोग भक्तों के घरों में इसको पहुंचा दें। हमने कल पूना में भी लेक्चर दिया था, राधेश्याम प्रभु चाह रहे थे उनके कंग्रेशन को भी हम एड्रेस करें, तो कल वहां पुणे में लेक्चर दिया था हमने, तो राधेश्याम प्रभु से भी काफी चर्चा हुई थी, तो वो पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप लोग कैसे कर रहे हैं, उस दिन क्या हुआ कि गुरु महाराज के सामने हमने 5000 श्रीमद भागवतम से प्लेज कर दिया अब वो से निकल तो गया, अब हमें पता नहीं कैसे होने वाला है, ये तो असंभव सा लग रहा है। 5000 भागवतम सेट्स, अब देखा देखी में पुणे ने 2000 भागवतम सेट्स प्लेज कर दिए, जू टेम्पल ने 2000 भागवतम सेट्स प्लेज किए और मायापुर ने 4000 भागवतम सेट्स प्लेज किए अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि 5000 भागवतम सेट्स कैसे प्लेज करें। अब उन्होंने जब पूछा राधेश्याम प्रभु ने हमसे कि ये कैसे संभव हो पाएगा, तो हमने बताया उनको, हमने कहा कि बहुत सिंपल है, हमने कहा कि आपके पास 6000 भक्त हैं कंग्रीगेशन में, ठीक है प्रत्येक भक्त एक भागवतम सेट ले ले, बस कितना हो गया 6000 भागवतम सेट हो गया कि नहीं, वेरी सिंपल। उन्होंने कहा कि प्रभु जी पहले तो हम लोग भगवदगीता बांटते थे और भगवदगीता का कॉस्ट केवल 150 रुपया है, अभी ये श्रीमद् भागवतम तो 5400 रुपए का पड़ेगा, कैसे खरीदेंगे लोग। मैंने कहा अभी क्या प्रभु जी क्या बात करते हैं, अब जब बाहर निकलते थे तो क्या एक गीता बेचने जाते थे क्या, बताइए जब आप सड़क पे भी जाते हैं तो क्या एक गीता बेचते हैं या 10-10 गीता लेके जाते हैं साथ में, 5-5 गीता लेके जाते हैं, या स्टॉल पे खड़े होते हैं बुक टेबल लगा के तो उसमें बहुत सारी गीता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या एक गीता लेके खड़े रहते हैं 150 रुपए के लिए, या स्पॉन्सर कराने जाते हैं तो बोलते हैं कम से कम 100 गीता तो करिए, कम से कम 1000 गीता तो करिए, बोलते हैं कि नहीं, तो व्यक्ति क्या करता है 100 गीता का चेक काटता है, ये 1000 गीता का 1 लाख रुपया आपको देता है या 1.5 लाख रुपया देता है। हमने कहा वहां 1.5 लाख रुपया देना पड़ जाता है, यहाँ तो केवल 5400 रुपया आपसे मांग रहे हैं, ये समझा। तो एक श्रीमद् भागवतम सेट पर फैमिली, एक फैमिली में एक श्रीमद् भागवतम सेट, अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी चाहिए तो हिंदी ले लीजिए। तो इस तरह से कंग्रीगेशन के हर डिवोटी अगर एक एक सेट भी ले ले, एक सेट खरीदिए और एक सेट बांटिए, कितना हो गया 2, और 1000 फैमिलीज अगर लेती है तो 2000 भागवतम सेट हो गए कि नहीं,
एक भागवतम सेट लीजिए, एक भागवतम का वितरण करिए। 1000 फैमिली हो गई, अगर फैमिली के हिसाब से देखना है तो 1000 × 2 कितना हो गया? 2000 भागवतम सेट्स। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप बोलेंगे प्रभु सड़क में कैसे जाएंगे भागवतम सेट लेके, इतना भारी है, 18 किताबें इसमें। और हाँ दूसरी बात है, 5400 में 18 किताबें, एक किताब नहीं है, 18 बुक्स है। तो एक ग्रंथ आप रखिए घर में, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान कृष्ण आपके घर में पहुंच जाएंगे श्रीमद भागवत के रूप में, और एक कॉपी किसी और को दीजिए, तो दो हो गए। तो प्रत्येक फैमिली, अगर 1000 फैमिली जुड़ी है फरीदाबाद से, तो एक फैमिली दो दो सेट भी ले ले, तो 2000 भागवतम सेट्स कंफर्म हो गया आज। क्या ख्याल है आपका? ये आपको प्रैक्टिकल लग रहा है कि नहीं? ये इम्प्रैक्टिकल है बताइए, सच बताइए, इज इट इम्प्रैक्टिकल बताइए? मैंने जो बोला बताइए, इम्प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल? सबसे पहले बताइए, आपका इनपुट चाहता हूं, बताइए ये इम्प्रैक्टिकल बात बताइए, प्रैक्टिकल बात बताइए। दो सेट, एक आपके लिए एक बांटने के लिए। हम आपको नहीं कह रहे 1000 गीता बांटो, 5000 गीता बांटो, 10000 गीता बांटो, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी का बता रहे। टू भागवतम सेट्स, वन फॉर यू वन फॉर देम, एक आपके लिए एक उनके लिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग योजना बना सकते हैं, और अगर स्पॉन्सरशिप कराते हैं तो स्पॉन्सर भी करा सकते हैं, लेकिन फिर विचार करना होगा कि वो श्रीमद भागवतम सेट्स बांटेंगे कहाँ, तो उस पर आपको विचार करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम सेट स्पॉन्सर करा के फिर आप घर में नहीं रख सकते हैं, उसको बांटना भी पड़ेगा ना, तो वो आप विचार करिए कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, जस्ट एनकरेज करने के लिए, हमारे एक विश्वंबर गौरप्रूफ ब्रह्मचारी है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे ओरेटर भी नहीं है, बहुत अच्छे स्पीकर भी नहीं है, बहुत सिंपल से ब्रह्मचारी है, और मजे की बात है उनको लगभग अकेले ही जाना पड़ता है बाहर, उनके साथ कोई टिकता नहीं, पता नहीं क्या रीजन है, वो बेचारे अकेले ही घूमते हैं, और लाइब्रेरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, पार्टी क्या एक ही व्यक्ति है वो, तो लाइब्रेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दिल्ली NCR में, यहाँ तक इलाहाबाद भी चलेगा, अलीगढ़ भी चलेगा वो, और यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में गए थे, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, वहां के लाइब्रेरियन से मिले, जानते कितने बुक सेट्स लिए उन्होंने, श्रीमद भागवतम कितनी कॉपीज लिए उन्होंने, उस भक्त से 330 भागवतम सेट्स परचेज की, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 30 भागवतम सेट्स उनसे खरीद ली। यस मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप उनसे पूछ लीजिए, उन भक्त का नाम है विश्वंबर गौर, ही इज नॉट अ वेरी पावरफुल प्रीचर, ये बहुत अच्छे बहुत बड़े ओरेटर भी नहीं है, उनको बोलने में भी दिक्कत है, उनकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो आवाज भी पूरी निकलती नहीं उनकी, बहुत सिंपल से शॉर्ट हाइटेड छोटे कद के हैं, बहुत सिंपल से ब्रह्मचारी है, लेकिन उनका उत्साह जो है माउंट एवरेस्ट की तरह है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे ग्रंथों का वितरण किससे होता है? मेरे भक्तों के उत्साह से होता है। कौन कितना बड़ा है, छोटा है, कितना पावरफुल है बोलने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी पवित्रता और हमारा उत्साह, बस ये दो चीजें, आपका एंथुजियाज्म और आपकी प्योरिटी, अगर ये दो चीजें आपके साथ है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये नेपोलियन ने कहा था, प्रभुपाद जी कोट करते थे, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी, मूर्खों के शब्द कोश में जो है असंभव नाम का शब्द आता है, इसलिए हम असंभव नाम के कार्य असंभव के बारे में सोचेंगे भी नहीं, कम से कम हमें सोचना तो है कि हमें करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, समय क्योंकि हो गया है, अब लगभग 9 बज चुके हैं, आप सबको विश्राम भी करना है, कल आपका ऑफिस भी है, इसलिए जो है हमने सोचा कि 8 बजे का समय ठीक रहेगा, हमें लगा तब तक आप सब घर पहुंच जाएंगे, और अभी कोई प्रसादम का भी कोई प्लान नहीं है कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है ना, 8 से 9 बजे प्रोग्राम, उसके बाद सब विश्राम है। कितना बढ़िया देखे जूम का ये, है ना, कोरोना ने बहुत फायदे किए हमें, बहुत टाइम बचाया हमारा, ट्रैवलिंग का टाइम बच गया, एनर्जी कितनी बच रही है ना, आपका बिजली बच गया, पानी बच गया, सब बच गया, सफाई करने की समस्या नहीं है, आपको सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठना है बस, और सुनना है और बोलना है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। प्रचार कितना आसान हो गया है और प्रचार कितना पावरफुल हो गया है, आज के समय पूरे पृथ्वी में हमारे हजारों हजारों भक्त ऑनलाइन में बैठे प्रीचिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पंजाब की माता जी है, मार्च से प्रचार कर रही है, उन्होंने अपने साथ 700 लोग जोड़ लिए, 700 people। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक प्रीचिंग प्रोग्राम शुरू करिए, ऑनलाइन प्रीचिंग शुरू करिए, अब कोई बाधा नहीं है,
कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं आपको। आप सिर्फ ऑनलाइन में बैठे यूट्यूब के द्वारा आप प्रीचिंग शुरू करिए, ऑनलाइन सेमिनार्स करिए, नए लोगों को जोड़िए, रजिस्टर करिए, चार्ज मत करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे, लोग भक्त बनेंगे, अपने आप सेवा के लिए प्रेरित होंगे, ये गारंटीड है, मैं बता रहा हूं। और आप देखेंगे इतने लोग इंटरेस्टेड है, इतने लोग चाहते हैं, आज के माहौल में आज की परिस्थिति में लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत दुखी है। इसलिए हम लोग अगर इस समय प्रचार करेंगे तो लोग जरूर निश्चित रूप से सुनेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए एक कोट पढ़ना चाहता हूँ लास्ट में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक कोट है। इस कोट में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कहते हैं, यदि संसार के समस्त ग्रंथों को जला दिया जाए और केवल एक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम शेष रह जाए तब भी कोई हानि नहीं है। यदि केवल श्रीमद् भागवत का पठन और पाठन अबाध रूप से चलता रहे और हजारों शिक्षा केंद्रों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाए तब भी किसी को असुविधा नहीं होगी। ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतम का ये महत्व है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस भागवतम मैराथन में भाग लीजिए। आज भद्र पूर्णिमा है, मैंने सुना था राधा गोविंद महाराज के कुछ शिष्यों से कि राधाष्टमी के दिन सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा प्रारंभ की और आज के दिन श्रीमद् भागवतम कथा का ये समापन हुआ था भद्र पूर्णिमा के दिन। और आज के दिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या बोला कि श्लोक श्रीमद् भागवतम का मैं पढ़ देता हूँ और ये आज के दिन लागू होता है। यह है श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 13वां श्लोक, याद रखिएगा, पढ़ सकते हैं आप घर में बैठे बैठे। क्या है श्लोक, यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर, सोने का सिंहासन नहीं है तो भागवतम तो है, श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा, सुप्रीम डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन धाम। और कहाँ जाना है बताइए आपको, अमेरिका जाना है, अमेरिका तो यही है, गोलोक वृंदावन ऊपर है, सबसे ऊपर। श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए क्योंकि ये समस्त वांग्मय का शिरोधार्य है। भाद्रमास की पूर्णिमा को वांग्मय का राजा रूप सौर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बिठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंहासन राशि में सर्वोस्थित पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन से इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। तो आज भाद्र मास की पूर्णिमा है, आज के दिन अगर श्रीमद् भागवतम का भेंट करते हैं और किसी को भेंट करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो आप लोग अभी आज ही मन ही मन फैसला कर लीजिए, मानसी सेवा कर दीजिए कम से कम। लक्ष्मी आप जैसी कर निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसी सेवा कर दीजिए कि आज मेरी तरफ से मैंने इतना ग्रंथ बांटना है। आज भाद्र पूर्णिमा के दिन सबसे अनुपम भेंट होगी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया और पिछले एक घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं और आपने बोलने का मुझे मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके प्रचार कार्य में लगे रहें और इसी से हम जीवित रहेंगे। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा, प्राण अच्छे तार सही होते प्रचार। इसका मतलब यह है, अ डेड मैन कैन नॉट प्रीच, मरा हुआ व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। इफ यू हैव लाइफ, अगर आपके पास जीवन है तो आप प्रचार करेंगे। प्राण अच्छे तार सही होते प्रचार, यानी कि प्रचार ही वास्तव में जीवन प्राण है, लाइफ है एक भक्त के लिए। तो जब तक प्रचार करते रहेंगे हम लोग तब तक क्या है, जीवित। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रोजी, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर इंस्पायरिंग एंड प्रोजी डिक्टेटिंग। आप जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है आपकी कृपा से होता है प्रोजी, और जो आप सोचते हैं वही हो पाता है। हम लोग तो बीच में रुक जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, बट आप मन से गियर डालते हैं तो हमारी गाड़ी आगे निकलती है, हम कर पाते हैं। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल प्रोजी। इफ यू अलाउ, कैन वी टेक 2-3 क्वेश्चंस इफ यू हैव। मधुसूरण प्रभु हाथ उठा रहे हैं नीचे, देख रहा हूं। बोलिए मधुसूरण प्रभु, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आपको माइक ऑन करना पड़ेगा। आपको
विनीता माता जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ अनम्यूट करिए, माइक आपका बंद है। माइक ऑन करिए। माइक अभी भी। हरे कृष्णा प्रभु धर्म प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया और मैं विशेष रूप से प्रभु जी दो दिन पहले भी मैं आपका यही लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी के ऊपर जो आप दे रहे थे, तो मुझे बड़ा आनंद आया कि आप आपको फेस टू फेस मैंने सुना। तो प्रभु जी मैं ये प्रलय लेता हूँ कि कम से कम एक भागवतम सेट हिंदी का मैं बोल एक भागवतम सेट, क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत पहले भगवान की कृपा से मैंने अपने घर में स्थापित किया हुआ है और उसका मैं अध्ययन भी रेगुलर कर रहा हूँ। और एक भागवतम सेट मैं 14 सितंबर को टेम्पल से ले लूंगा और सेम डे उसकी पेमेंट में कैश में कर दूंगा। ये मेरी बुकिंग अभी से ले लिया। थैंक यू मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत बढ़िया आपका लेक्चर है और मैं 3 सेट का ऑर्डर करता हूँ और एक सेट मेरे पास ऑलरेडी है और 3 सेट मैं ले लूंगा मंदिर से। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। Guruji, if you allow just 1 second, can I speak in between, Guruji? Five, 1 minute? Yes. Thank you. So, devotees, we are extremely grateful that Guruji came and we have inspired. Guruji has done and we are all sashakt and immediately pledges. So, I am sure that Madhu Smaran Guruji ka pledge tha, wo September mahine ka 14 ko hai, aur phir October, November, December mein bhi karenge. Kyunki aap jo bhi shrotagan aaj yahan par hain, aap sab se 10-10 Bhagavatam set ki kam se kam apeksha ki ja rahi hai. तो प्लीज आप 1 या 3 में मत संतुष्ट होइए, 1 या 3 तो आज का इमीडिएट प्लेज है आपका, बट आपको आगे भी बढ़ना है। थैंक यू। प्लीज क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं कुछ भी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज आप लोग डिस्कस करके आप लोग प्लेजिंग करिए और इस प्रचार के कार्यों को आगे बढ़ाइए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रेस पॉन्ड पर प्रभु जी की जय। थैंक यू भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन की जय। थैंक यू सो मच, प्लीज वी विल जस्ट कंटिन्यू आवर सेशन फॉर सम। जय प्लीज। हरे कृष्णा। थैंक यू धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए यहाँ पे आने के लिए और प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा हमें इंस्पायर किया और आप सब इमीडिएटली मधुस्मरण प्रभु जी तो इमीडिएटली खड़े हो गए कि अभी से एक सेट टच करता हूँ। अजिंदर प्रभु भी खड़े हो गए, तो वेरी गुड। तो हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो मैं केवल अराउंड 10 मिनट्स मैक्सिमम आपके और लूंगा इसके बारे में। थोड़ा सा आपको रूपरेखा बताने के लिए कुछ मैसेज तो दिया था मैंने ग्रुप में ऑलरेडी। तो देखिए हर साल हम लोग मैराथन नवम्बर दिसंबर में करते हैं, पर इस टाइम क्योंकि भद्र पूर्णिमा आज है तो एक्चुअली भागवतम मैराथन जो है पिछले कुछ दिनों से चल रहा है दिल्ली टेम्पल में। आप सब संडे मॉर्निंग को महाराज जी के लेक्चर्स भी सुनते आए हैं जिसमें महाराज इसके बारे में कंटिन्यूसली बोलते भी रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी और जन्माष्टमी में आप सब लोग व्यस्त थे कई लोगों को सेवा में जोड़ने के लिए, हमने यहाँ आरंभ नहीं किया था। परंतु फिर भी कई भक्त जुड़े और मेरे ख्याल से आज तक अराउंड 60 भागवतम सेट शायद हो गए होंगे। कल भी हम लोग 12 या 14 लेकर आए थे और आज ही वो निकल गए। आपने से कई भक्त आज मंदिर आए, उन्होंने उसको स्पॉन्सर करके डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एनीवे पॉइंट ये है कि हम आज की जो हमारी ये सभा है उसका मुख्य पर्पज ये है कि हमने प्रभु जी से श्रवण किया और आई एम श्योर आप